हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी और स्वागत है आपका अन अकेडमी पर। लेके आ गया हूं मैं आपके लिए एमपीपीएससी TAT का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट था हमारा GITEC के ऊपर, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिला, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंचुरीज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्य अभयारण्य के बारे में। अब देखो, एक बात याद रखना दोस्तों कि मेरे पास कोई ट्रिक या किसी प्रकार का कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये चीजें मैं आपको बहुत आसानी से या ऐसे याद करा दूं किसी ट्रिक से। ट्रिक से याद करने में चीजें गलत होने की संभावना है। उन चीजों को एनालाइज करके बार बार पढ़ के आप याद कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले जितनी भी सेंचुरीज के हम लोग नाम देखेंगे ना, तो इनके ईयर्स और इनके डिस्ट्रिक्ट्स की हमें बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद, इसको देखने के बाद, आप मध्य प्रदेश का एक ब्लैंक मैप लीजिए, जिस मैप के ऊपर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हैं, और नहीं भी लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस बहाने डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी याद करने का मौका मिल जाएगा। और उनके बाद आप मार्क करके उनको इजीली उन डिस्ट्रिक्ट्स को या उन सेंचुरीज को आप याद कर सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे सैलाना सेंचुरी आपको हो गया तो रतलाम में है, तो रतलाम पे एक छोटा सा मार्क करके आप उसी के ऊपर आप सैलाना लिख दें। इस तरह से अगर आप एक मैप बना लिया आपने, तो 50% सेंचुरीज आपको याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। और दो तीन बार आपने इस वीडियो को देख लिया या इसका माइंड मैप आपने अगर स्टडी एक दो बार कर लिया, तो 90% से ज्यादा सेंचुरीज आपको याद हो जाएंगी। सिर्फ 24 सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, 24 नाम याद करना, उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम याद करना कोई बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं है। और नहीं कर पाए तो फिर मेंस में क्या करोगे, तो थोड़ा चैलेंज लेको, इनको याद कर लेना। हाँ, एक बात जरूरी है कि इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट्स को आप अवॉइड कर, सॉरी, जो ईयर्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की बगदारा सेंचुरी की। बगदारा सेंचुरी लोकेट एस्टैब्लिश हुई 1978 में, और मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंदर यहाँ पर आपको लोकेटेड है। ठीक है, सीधी और आसपास का रीजन जो है, ये बहुत ज्यादा फॉरेस्ट तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, काफी फॉरेस्टेड एरिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये स्टैब्लिश हुआ है 1977 में, और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में आपको लोकेटेड है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है सतपुड़ा वाइल्ड, सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है उसका भाग आपको है, और कई सारे टाइगर के जो उन टाइगर्स के जो बफर जोन है वो बफर जोन इस क्षेत्र में आपको बने हुए हैं। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट सेंचुरी है गांधी सागर सेंचुरी, जो लोग जानी जाती है नील गाय के कंजर्वेशन के लिए। यानी जैसे नील गाय आप जानते ही होंगे एक एनिमल होता है, वैसे इसको मध्य प्रदेश में तो वर्मिन कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन कई सारे स्टेट्स में इनके प्रोटेक्शन के लिए स्कीम चल रही है ना। मध्य प्रदेश में भी गांधी सागर सेंचुरी जो है यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, और बाकी कई सारे एरियाज में इनको वर्मिन के रूप में या ऐसा एनिमल जो नुकसान पहुंचा सकता है जाना जाता है। यूपी में, बिहार में, हर जगह वर्मिन आपको होता है क्योंकि वहां पर इनकी संख्या बहुत है। तो मध्य प्रदेश के गांधी सागर सेंचुरी जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, तो यहां पर नील गाय का कंजर्वेशन किया जाता है, 1981 में एस्टैब्लिश हुआ। अगर देखा जाए तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच दोनों जिले में आपको लोकेटेड है, और जहां पर गांधी सागर डैम बना हुआ है, या स्पेशली जो राणा प्रताप सागर और पूरा चंबल प्रोजेक्ट बना है, उस चंबल प्रोजेक्ट के किनारे पर ही गांधी सागर सेंचुरी है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में लगभग लगभग आपको आती है। चलिए, अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी घाटी गांव सेंचुरी। घाटी गांव सेंचुरी जानी जाती है अपने कंजर्वेशन के लिए, जहां पर स्पेशली जो जो स्पेशली आपकी जो सोन चिड़िया है उसका कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सोन चिड़िया के कंजर्वेशन के लिए दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, एक थी घाटी गांव जो ग्वालियर में लोकेटेड है, और दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो शिवपुरी में लोकेटेड थी। लेकिन शिवपुरी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी 2022 में ही मध्य प्रदेश सरकार ने उसको डिमोडिफाइड कर दिया, मतलब उसको आपके उस एरिया को उन्होंने आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन या बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया से रिमूव कर दिया। तो अभी मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया के कंजर्वेशन के लिए सिर्फ घाटी गांव सेंचुरी है ग्वालियर में, शिवपुरी सेंचुरी जो है वो डिनोटिफाई हो चुकी है, तो नंबर ऑफ सेंचुरीज मध्य प्रदेश में उतनी ही रह गई। ओके, अगली मध्य प्रदेश में सेंचुरी है कर्मझिरी सेंचुरी, और ये सेंचुरी मध्य प्रदेश की सबसे न्यूएस्ट सेंचुरी है, सबसे नई सेंचुरी है। 2022 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया, जिस समय मध्य प्रदेश सरकार ने शिवपुरी के अंदर करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिनोटिफाई किया, उसी समय पे सिवनी जिले के अंदर कर्मझिरी सेंचुरी बनाई गई। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश की सबसे नई सेंचुरी है, सबसे न्यूएस्ट सेंचुरी कौन सी है। ओके, अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर केन घड़िया सेंचुरी, और ये सेंचुरी जानी जाती है
नदी के किनारे, और घड़ियाल कंजर्वेशन या बोल सकते हैं एलिगेटर के कंजर्वेशन के लिए। यहाँ पे एलिगेटर और क्रोकोडाइल, घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों का संरक्षण किया जाता है और स्टैब्लिश होती है 1981 में, और पन्ना और छतरपुर जिले के अंदर आपको लोकेटेड है। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी खिवनी सेंचुरी, और ये खिवनी सेंचुरी स्टैब्लिश हुई 1982 में मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंदर आपको लोकेटेड, कुछ पार्ट इसका सीहोर जिले में भी आपको जाता है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एरिया पूरा फॉरेस्टेड एरिया है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत आपको सांभर चीतल वगैरह मिल जाएंगे, तो उनके कंजर्वेशन के लिए इसको बनाया गया है। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर नरसिंहगढ़ सेंचुरी, और ये नरसिंहगढ़ सेंचुरी लोकेटेड है आपके मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में। 1978 में इस सेंचुरी को बनाया गया। अब देखो, आप नरसिंहगढ़ और नरसिंहपुर से कंफ्यूज मत होना, ये नरसिंहगढ़ स्टेट वाला एरिया है, जो राजगढ़ स्टेट और इस नरसिंहगढ़ स्टेट में हुआ करते थे कुंवर चैन सिंह, जिन्होंने भोपाल के अंग्रेज अधिकारी मैडॉक से यहाँ पर आपको पंगा पंगा मोल लिया और उनके साथ एक भीषण युद्ध लड़ा आपके 1828 में, जिसके अंदर आपके मध्य प्रदेश के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपके कुंवर चैन सिंह है, उनका शहादत हो जाती है, और बड़ा मार्मिक स्टोरी है उनकी, भी सुनाएंगे उसके बारे में। तो नरसिंहगढ़ के अंदर लोकेटेड है राजगढ़ जिले में। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल चंबल सेंचुरी। अब देखो, इसको नेशनल चंबल इसलिए कहा जाता है कि तीन राज्यों की मिला के सिंगल सेंचुरी आपको बनी है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीनों के बॉर्डर पे लोकेटेड है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में यहां पर भी एलिगेटर और क्रोकोडाइल है ना, घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों का कंजर्वेशन किया जाता है। एस्टैब्लिश हुई 1978 में स्पेशली घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए मुरैना जिले में लोकेटेड, और यहाँ पर एक घड़ियाल के लिए एक अलग से सफारी भी बनी, जहां पर आप जाके घड़ियाल को देख सकते हैं। ओके, अगली सेंचुरी मध्य प्रदेश में है नौरादेही सेंचुरी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी है, और गांधी सागर की तरह ये सेंचुरी भी नील गाय के कंजर्वेशन के लिए जारी जाती है। 1984 में स्टैब्लिश हुई और मध्य प्रदेश के सागर में लोकेटेड, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी है। खैर, मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की एरिया जानबूझ के नहीं डाले हैं, ताकि आपको इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, तो एरिया हमको नहीं पढ़ना है इसके अंदर, सिर्फ हमको डिस्ट्रिक्ट और ईयर पढ़ना है। ओके, उसके बाद अगली सेंचुरी है मध्य प्रदेश की ओरछा सेंचुरी, और ओरछा में भी ओरछा बर्ड सेंचुरी है, पक्षियों के कंजर्वेशन के लिए इस सेंचुरी को बनाया गया है। एस्टैब्लिश हुई 1994 में, और मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के अंदर आपको लोकेटेड है, वन ऑफ द फेमस सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सेंचुरीज में से यहाँ पर आपको एक है। ओके, अगली मध्य प्रदेश में सेंचुरी है पचमढ़ी सेंचुरी, और ये पचमढ़ी सेंचुरी ये स्पेशली मध्य प्रदेश के अंदर जो सतपुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका पार्ट है। 1977 में, 1977 में सेंचुरी को आपको बनाया गया, और लोकेटेड है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में, मध्य प्रदेश के जिसको हम पहले होशंगाबाद बोलते थे। तो ये एक तरीके से सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है, सॉरी, उसका पार्ट आपको है। चलिए, अगली सेंचुरी है मध्य प्रदेश में पनपटा सेंचुरी, और पनपटा सेंचुरी एस्टैब्लिश हुई 1983 में, और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंदर आपको लोकेटेड है। अगली सेंचुरी है मध्य प्रदेश की पेंच मोगली सेंचुरी। तो अगर इस सेंचुरी को देखा जाए, तो ये सेंचुरी बेसिकली जो पेंच नेशनल पार्क या पेंच जो टाइगर रिजर्व है उसका पार्ट है। साथ ही यहाँ पर मोगली सेंचुरी इसलिए क्योंकि मोगली की पूरी जो स्टोरी है वो इसी एरिया के आसपास आपको चलाई जाती है। 1975 में एस्टैब्लिश हुई, मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में, पेज नदी के किनारे लोकेटेड है। चलिए, अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश हुई 1983 में, और मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंदर ये सेंचुरी आपको लोकेटेड है। ओके, उसके बाद अगली मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मध्य प्रदेश की सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के इंदौर में, एस्टैब्लिश हुई 1989 में, इंदौर में मध्य प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जानी जाती है अपने टाइगर कंजर्वेशन या टाइगर रिजर्व के लिए। एक स्पेशल बात मैं आपको बता दूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश के रायसेन में है, ये अभी तक टाइगर रिजर्व बना नहीं है। कई साल पहले 2012 या 2013 के आसपास, या शायद उससे भी पहले, मुझे एग्जैक्टली ईयर तो ध्यान नहीं है उसका, तो उस समय पे इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी उसके लिए जो उनको चेंजेस करने थे, जो कानून में चेंजेस या नोटिफिकेशन जारी करना था, वो अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। तो इसके लिए ये प्रपोज तो है, लेकिन अभी तक रातापानी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में शामिल नहीं हुई है। रायसेन में लोकेटेड है, और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्षेत्र के अंदर आप देखोगे यहां पर लोकेटेड है
आपका भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट, काफी सुंदर रॉक पेंटिंग्स वहां पे बनी हैं, तो ये इसी के अंदर आपको या इसी क्षेत्र के अंदर आपको लोकेटेड है। चलिए अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की है, सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी जानी जाती है आपके दूधराज या पैराडाइज फ्लाई केचर जो बर्ड है, इस बर्ड के कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए एस्टेब्लिश हुई 1983 में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में लोकेटेड है। और ये बेसिकली पैराडाइज फ्लाई केचर या आपका जो दूधराज है उसके कंजर्वेशन के लिए इसको जाना जाता है। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है संजय डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। संजय नेशनल पार्क का काफी भाग इसके अंदर आता है। 1975 में एस्टैब्लिश हुई और मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंदर आपको लोकेटेड है। ओके अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी जानी जाती है आपके स्पेशली जो खरमोर बर्ड है उसके कंजर्वेशन के लिए। एस्टैब्लिश हुआ 1983 में और मध्य प्रदेश के धार जिले में आपको लोकेटेड है। ओके उसके बाद अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो एस्टैब्लिश हुई 1976 में और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लोकेटेड। तो रायसेन के अंदर सिंगोरी और साथ में रातापानी दोनों सेंचुरीज है। जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनाओगे तो स्पेशली आपको एक जिले में कौन कौन सी सेंचुरीज हैं इनकी लिस्ट आपको अलग से बनाना पड़ेगी। चलिए अगली सेंचुरी है कुसोन घड़ियाल सेंचुरी, जो मध्य प्रदेश में अगेन घड़ियाल और एलिगेटर के कंजर्वेशन या उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर आपको जानी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट सेंचुरी है। अब मुझे उन तीनों सेंचुरीज के नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो घड़ियाल और एलिगेटर या एलिगेटर और क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के लिए जानी जाती है। खैर सोन घड़ियाल सेंचुरी लोकेटेड है सोन नदी के किनारे। 1981 में सीधी शहडोल डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टैब्लिश किया गया। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी, और ये सेंचुरी स्टैब्लिश हुई 1997 में, मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर लोकेटेड है। चलिए अगली सेंचुरी है सलारिया सुसनेर सेंचुरी, और ये सलारिया सेंचुरी लोकेटेड है मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में, और ये मध्य प्रदेश की पहली काऊ सेंचुरी है। काऊ सेंचुरी या गाय के संरक्षण के लिए बनाई जाने वाली पहली सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये हुई मध्य प्रदेश की 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई होप ये सभी 24 सेंचुरीज जो हैं वो आपको याद हो गई होंगी, उनके बारे में तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपने देख लिए। तो कोशिश करें कि 24 के 24 सेंचुरीज जो हैं उनको आपको आज ही याद कर लेना है। साथ ही मध्य प्रदेश पीएससी के लिए अन अकेडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इस प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर। इस ऑफर के अंतर्गत आप अगर एमपीपीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर परचेज करते हैं तो उस सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। एक साल का सब्सक्रिप्शन जो 12,650 रुपए का है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं पवन लाइव तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्स है। उसके साथ ही जल प्रहरी और वन रक्षक का कोर्स लॉन्च हो चुका है। कंप्लीट एमपीजीके का एक रिकॉर्डिंग बैच अवेलेबल है स्टोर के ऊपर। हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है। 2 मार्च को एक और आपको ऑलरेडी एक फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुकी है। उसी के साथ मैं जो 6 अप्रैल को एक ऑलरेडी फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, और 17 तारीख से, 13 तारीख लगेगा बट 17 तारीख से एक और बैच स्टार्ट हो रही है जिद बैच, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस एंड टेक। और साथ ही एमपी पुलिस और कांस्टेबल के लिए भी 20 तारीख को एक बैच शुरू हो रही है। इन तमाम कोर्सेज के लिए आप सिंपली मेरा कोड पवन लाइव यूज कर सकते हैं। कई सारी बैचेस अभी आई है, कई सारी बैचेस आने वाली है। साथ ही एक एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज स्पेशली मैंने आपको बनाई है, ये भी जल्दी स्टोर पे अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए। तो अभी जाके आप अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज कीजिए। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगी है, इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।